मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ता अब खुलेआम आरोप लगा रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। मामला भिंड जिले से सामने आया है। भिंड में NSUI के जिला अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील को भिंड जिले के विकास में बाधक बता दिया। NSUI के इस युवा नेता अतुल मिश्रा का कहना है कि आरिफ अकील के प्रभारी मंत्री बनने के बाद लगातार जिले की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की है। भिंड से अक्षय जोशी की रिपोर्ट। लगभग कांग्रेस की सरकार बने लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है। माननीय कमलनाथ जी के विकास कार्य जो जन जन जो 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 योजना है वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है भिंड जिले में और सभी जिलों में पहुंच रही है। उसके लिए मैंने प्रभारी वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से निवेदन किया है कि जब से माननीय आरिफ अकील जी यहाँ के प्रभारी मंत्री बने हैं लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है। लगभग दो बारी वो आए हैं, लगभग 8 महीनों से उनके यहाँ दर्शन भी नहीं है। तो उस संबंध में मैंने कमलनाथ जी को आज एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि उनकी जगह पर किसी ऊर्जावान व्यक्ति को यहाँ का भिंड का प्रभारी मंत्री बना दिया जाए। जब मेरे द्वारा उनसे प्रभारी मंत्री जी से भोपाल में निवेदन इन सब बातों पर चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे भिंड जाना नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मना कर चुका हूँ। तो जब उनको आना नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कोई दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर काम करने का मौका मिले। जो यहाँ का जो यहाँ जो कांग्रेस की सरकार बनी है, हम लोगों ने जो वादा किए थे, जो 15 साल विपक्ष में रहे, मैं लगभग सन 2013 से जिला अध्यक्ष हूँ, मैं रोडों पर लड़ा हूँ, मैंने संघर्ष किया। क्या नाम है आपका? यहाँ लोगों से मैंने वादे किए हैं, वो वादे तो पूरे करवाने।